वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सऊदी सरमायाकारों के एजाज में इशाइया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, मोहम्मद बिन सलमान की फराख दिली को सराहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। आईटी ज़राअत और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रायल पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत, तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रियासत बनाम नामालूम पर डायरी नंबर लगा दिया है। फाजिल जज ने सोशल मीडिया ट्रायल पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। फैज़ाबाद धरना कमीशन ने किसी चीज़ पर कोई फाइंडिंग नहीं दी, हमारा वक्त ज़ाया किया, लगता है कमीशन का काम सिर्फ फैज़ हमीद को बर्रियो ज़िम्मा करार देना था। फैज़ हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा की कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी रिमार्क्स में कहा 2019 वाले फैसले पर अमल किया जाता तो शायद 9 मई भी ना होता। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक पिशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी, अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। 3 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। और गजा जंगबंदी के मुमकिन माहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त, हमास ने जंगबंदी माहदे की शराइत कबूल कर ली। कतरी और मिस्री मसालहतकारों को फ़ोन करके आगाह कर दिया। हमास सरबरा इस्माइल हानिया ने कतरी वजीर आजम और मिस्री इंटेलिजेंस वजीर से फ़ोन पर राबता करके शराइत तस्लीम करने पर रजामंदी जाहिर की। मसालहतकार अब इसराइल से राबता करेंगे।